अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम शेयरिंग अनस्टिच्ड ड्रेसेस बाय नूर बाय सादिया और ये लग्जरी लॉन है। ये खुले हुए ऑलरेडी इसलिए पड़े हैं, एक और वीडियो में भी मैंने बताया, हमने इनकी पूरी वीडियो बनाई और दो ड्रेसेस की और वो जो है एंड में पता चला कि माइक की आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो अब दोबारा से इसको बना रहे हैं। ये इसका फ्रंट है, इस थोड़ा सा टर्न हुआ है क्योंकि एक साथ जब पूरी एफर्ट कर लें, पूरी वीडियो बना लें और दोबारा से उसको बनाना पड़े तो वो थोड़ा सा यू नो एक्साइटमेंट लेवल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये जो है डबल शेडेड, इनफैक्ट हाँ डबल शेडेड जो है इसका फ्रंट है। चौड़ाई में से कपड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये इसका ऑर्गेन्जा का वर्क हुआ है, यानी ऑर्गेन्जा है इसके अंदर, काइंड ऑफ एप्लिक टाइप का काम ऑर्गेन्जा लगा के इसके ऊपर एप्लिक हुआ है। आई डोंट नो लेज़र कट टाइप जो है वर्क कहते हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है ये। और ड्रेस का जो कलर है वो जो शेड है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद इसका दामन का बॉर्डर है, ये बढ़ता हुआ लगेगा, ये जहाँ पर एंड होगा उसके बाद ये दामन का बॉर्डर लगेगा। उसके बाद इसका ब्लू कलर का जो है एम्ब्रॉयडर्ड गला है ये भी एप्लिक होगा। और उसके बाद ये डेफिनेटली होगा स्लीव्स का बॉर्डर, बिकॉज इन्होंने जो है वो कुछ और नज़र आ नहीं रहा मुझे, तो ये इसका स्लीव्स का बॉर्डर हो गया। उसके बाद गला मैंने ऑलरेडी बता दिया था। ये है इसका प्रिंटेड बैक, सेल्फ प्रिंट है। अच्छा, शर्ट का जो फ्रंट भी है तो सेल्फ प्रिंट है, सॉरी सेल्फ हाँ मतलब प्रिंट है। तीन शेड्स हैं बेसिकली, ब्लू के दो शेड्स हैं एंड देन ग्रीन है। तो ये प्रिंटेड जो है वो बैक है, फ्रंट जो है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड है। उसके बाद इसके 3D फ्लावर्स हैं दो कलर्स में, वेयर इज़ ग्रीन वन, एक साथ इसको हम निकाल के पता नहीं कहाँ कर चुके। अच्छा, ये जो है इसके 3D फ्लावर्स हैं जो कि लगेंगे इसके अंदर, मतलब ये सारे कटेंगे, आई डोंट नो ये सारे एप्लिक से लगाए जाएंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एप्लिक का काम है। ये जो इन सारे फूलों के अंदर जो है वो जगह बनी हुई है, तो ये लगेंगे, फिर उसके अंदर ये छोटे फूल जो है वो कट के लगेंगे। यहाँ पर भी जो है ये फूल हैं, इन्होंने यहाँ टसल तो नहीं बनाया हुआ इस तरीके से, यहाँ 3D बना के इनको लगाया जाएगा, यानी कट होंगे और फिर पूरे जो है वो लगेंगे। तो ये तो पूरे ड्रेस के अंदर जहाँ जहाँ पर जगह है वहाँ लगेगा, एंड आई डोंट थिंक कि ये बैक पर होंगे, ये ऐसे देखने में जो है वो काफ़ी लग रहे हैं। ये वाला बॉर्डर बढ़ता हुआ लगेगा तो इसकी जो है वो लेंथ आराम से काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद ये इसका ट्राउज़र का कपड़ा है, फिर ये ट्राउज़र के पैचेस हैं जो कि इस तरीके से आना है ट्राउज़र पर कि एक साइड पर ये बंच आएगा और एक साइड पर जो है ये पतला बॉर्डर आएगा, इसका यही स्टाइल है। उसके बाद है इसका प्रिंटेड दुपट्टा जिसके शेड्स बहुत ही खूबसूरत हैं और ये शिफॉन सिल्क टाइप का है। शिफॉन सिल्क उस टाइप का फैब्रिक होता है जिसके अंदर थोड़ा सा फॉल होता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये मैं एक्चुअली कई बार नहीं बताती और फिर जब ड्रेस एक दो दफ़ा हुआ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। डिज़ाइनर ड्रेसेस ये देखें, इसके कॉर्नर्स एक जैसे नहीं हैं ये, और ये हर डिज़ाइनर बड़े बड़े डिज़ाइनर जो हैं फ़रत आलिब इस तरह के डिज़ाइनर के ड्रेसेस में इस तरह का मसला होता है कि सिल्क का दुपट्टा या शिफॉन के दुपट्टे को जब आप फोल्ड करेंगे तो वो इक्वल नहीं फोल्ड होता है। एंड ऑब्वियसली इसके चारों तरफ प्रिंट है तो इसका कोई हल नहीं है इसको फिक्स करने का। इसका फिर यही तरीका है कि ये जैसे है इसको इसी तरीके से फिनिश किया जाएगा। अगर आप इसको जो है वो फोल्ड करें कि प्रॉपर चारों कॉर्नर से फोल्ड हो तो वो फोल्ड नहीं होगा और इसमें हमारी मिस्टेक नहीं है। ये एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था एक क्लाइंट को, ये देखें दूसरी साइड पर ये इतना ज़्यादा फ़र्क है ये, और ये कंप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज ये सारे ही इनके जो 500 या जितने भी लाखों पीसेज निकले होंगे, ये देखें ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होता। और ये बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के सूट्स में ये आता है और ये मेरे ख्याल है नॉर्मल है, अगर कोई कंप्लेन करे तो मेरे ख्याल ये सॉर्ट आउट हो जाए। खैर, बात मेरी बीच में रह गई थी कि एक दफ़ा किसी ने बोला कि शायद ये टेलर की मिस्टेक है, लेकिन इसको टेलर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर हम इसको कट करें इक्वल करें तो फिर तो वो सारा का सारा डिज़ाइन जो है वो कट जाएगा और डिज़ाइन भी कट जाएगा और ज़ाहिर दुपट्टा भी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो है बस इसका यही है कि बस लेंथ में ओढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर फोल्ड करके देखेंगे तो ये इक्वल नहीं लगेगा, लेकिन इसका प्रिंट है बहुत खूबसूरत। तो ये पूरा ओवरऑल ड्रेस जो है वो बड़ा खूबसूरत है। लेट्स सी अदर वन। अच्छा जी, ये जो है सेकंड ड्रेस है और इसका सेंटर पैनल जो है वो ब्लू कलर है और साइड पैनल जो है ये पिस्ताशो ग्रीन है या मिंट ग्रीन है, एग्जैक्ट कलर सॉरी मैं थोड़ा सा कुछ कलर्स ना समझ में नहीं आते। अच्छा, ये दामन का बॉर्डर है जिसके अंदर जो है कटवर्क हुआ है, लेकिन ये कटवर्क होना पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज इस इन होल्स के अंदर जो ऑटोमेटिकली हुए हुए जो ओरिजिनली हुए हुए होते हैं वो ज़ाहिर है उनकी फिनिश ही इस तरीके से हुई होती है। हम इसको बीच में से कटवर्क करेंगे तो वो सारा जो है वो धागे वगैरह निकलेंगे और वो सही तरीके से फिनिश नहीं आएगा।
उसके बाद ये इसका एक और बॉर्डर है यहाँ वाला, जिसको सेंटर लेस के साथ लगाया गया है। ये दो बॉर्डर्स हो गए फ्रंट के। उसके बाद ये दो बॉर्डर्स हैं जो कि पैनल के इस वाली जगह पर आएंगे, बट हमारा जो वैसे साइज़ है वो उसमें काफ़ी सारा काम ऑलरेडी कट जाएगा, बिकॉज़ मीडियम है और इसका सेंटर पैनल ही काफ़ी बड़ा है और उसको कट भी नहीं कर सकते बिकॉज़ इसके साइड्स पर ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है ना। तो और ये या तो बेल कटेगी, लेकिन ये उन्होंने दिया हुआ है। ये बॉर्डर्स एप्लिक होंगे, उसके बाद ये पतले से बॉर्डर्स हैं ये भी एप्लिक से लगाए जाएंगे इस पैनल के इस जगह के ऊपर। और नूर भाई शादियाँ के वैसे जोड़े मुझे अच्छे लगते हैं, कलर्स बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन इन्होंने जो है ना वो सारी मेहनत की होती है फ्रंट के ऊपर। अच्छा, ये है इसका फ्रंट, सॉरी ये है इसकी स्लीव्स और बैक, और स्लीव्स का कोई बॉर्डर नहीं है। उसके बाद ये है इसका ट्राउज़र, और ट्राउज़र का ये बॉर्डर है, जिससे मतलब बॉर्डर क्या है, बेसिकली एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक है जिसको सीढ़ी लेस के साथ लगाना पड़ेगा, और एंड पे जो है वो उन्होंने ऑफ वाइट कलर की लेस लगाई हुई है। हम देखेंगे ऑफ वाइट या जो है वो सेम कलर की लगाएं। एंड उसके बाद है इसका शिफॉन का दुपट्टा, दो शेड का। इनके जो है शिफॉन की क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ये ऑलमोस्ट प्योर शिफॉन जैसा है, या मे बी प्योर, आई डोंट नो इन्होंने क्या लिखा है, लेकिन यह है कि बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का शिफॉन है। इस तरीके से इसका प्रिंट है और इसके कलर्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं। दुपट्टे के पल्लों का भी जो है बड़ा ज़बरदस्त सा वो है, और ये मतलब डिज़ाइन है, और ये जो है दुपट्टा देखने में इक्वल लग रहा है, उसके पल्लू कॉर्नर्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं। सो दोनों मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट वाले का जो है वो दुपट्टे का प्रिंट बहुत खूबसूरत है, एंड इसका अपनी जगह पर है। समर के हिसाब से जो है वो लाइट शेड्स हैं और उसका थोड़े डार्क शेड्स हैं, मुझे दोनों अच्छे लग रहे हैं। आप सबको कैसे लगे कमेंट से बताइएगा, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।